आज आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को नामित मांग पत्र सौंपने आए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय बहादुर मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हम सभी देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि किसान विरोध में पारित 3 काला कानून जो महामारी के दौरान बगैर किसानों की सहमति से केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है उसे रद्द किया जाए। किसानों के उत्पादित वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदारी करने वाले व्यापारियों पर 3/7 का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाए। जय बहादुर मौर्य, जिला आजमगढ़, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष। क्या मामला, क्या आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं? जिला कार्यालय पर इसलिए आए हैं कि हमारी 5 जून 2020 को काला कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किया है हम उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि यह कानून वापस हो और किसानों की सुख सुविधा के लिए जो न्याय, जो सिद्धांत दिया गया है संविधान में, उसको लागू किया जाए। अगर आपकी ये मांगे पूरे नहीं होते तो आगे आपकी क्या रणनीति? हम रणनीति बनाते हैं कि धरती से आकाश तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी करते हैं कि करवाएंगे।